हेलो गाइस, दिस साइड इज अदनान खान एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मनी हीस्ट सीजन 1 एंड सीजन 2। हालांकि इसके 4 सीजन ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन पहली कहानी इसकी सीजन 1 और सीजन 2 में कंप्लीट हो जाती है। यही कारण है जिसकी वजह से इसके मैं सीजन 1 और सीजन 2 का रिव्यू एक साथ कर रहा हूँ। ये ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खास है इस वेब सीरीज में जिसकी वजह से ये वेब सीरीज आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो बहुत सारे स्पॉइलर से भरी हुई है। अगर आपने मनी हिस्ट नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक क्राइम बेस्ड वेब सीरीज है, एक ऐसा क्राइम जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, यहाँ तक कि आम जनता, आम पब्लिक भी चोरों के सपोर्ट में खड़ी हो। अगर कोई इस तरह का क्राइम करता है जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो तो इस तरह के क्राइम को कहते हैं द परफेक्ट क्राइम। ला कैसा डी पेपेल यानी मनी हिस्ट, ये एक स्पेनिश टीवी पर आने वाला शो था जिसको नेटफ्लिक्स ने खरीद कर 22 एपिसोड की वेब सीरीज निकाल दी। ईयर 2017 में रिलीज हुआ हुआ ये शो जल्द ही फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना और ब्राजील में मोस्ट वॉचेबल शो बन गया। इस वेब सीरीज का थर्ड सीजन 2019 में रिलीज हुआ और रिलीज के पहले ही वीक में इसको 34 मिलियन की हाउस होल्ड व्यूअरशिप मिल गई। तो आइए बात करते हैं इसके सीजन 1 और सीजन 2 की, जो कि 2017 में रिलीज हुआ। सीजन 1 में इसके 13 एपिसोड हैं और सीजन 2 में इसके 9। दोनों ही सीजन को मिलाएं तो टोटल एपिसोड 22 हैं, जिसका रनिंग टाइम लगभग 18 से 19 घंटे का है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आपको अपनी लाइफ के 18 से 19 घंटे इस वेब सीरीज को देने भी चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर है जी हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इस वेब सीरीज के डायरेक्शन की। इस वेब सीरीज का डायरेक्शन माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि जिस तरह से इस वेब सीरीज की कहानी को पास्ट और फ्यूचर में दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करता है। लेकिन अगर दूसरी फिल्मों से कंपेयर करा जाए जिसमें इस तरह का कंसेप्ट दिखाया जाता है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज कर जाती हैं। लेकिन इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर ने इस वेब सीरीज को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है कि आपको देखते ही बनता है। डायरेक्टर ने प्रेजेंट में रोल्ड बिल्ड के अंदर हुई हुई चोरी को दिखाया है और दूसरी तरफ पास्ट में किस तरह से ये चोरी करी जाएगी उसकी प्लानिंग करते हुए दिखाया गया है। और इस शो के मास्टरमाइंड को इस चोरी के प्लान बनाने के लिए पूरे 5 महीने लग जाते हैं और एक परफेक्ट प्लान के साथ ये रॉबरी स्टार्ट करी जाती है। और इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी माना जाता है, क्योंकि ये रॉबरी पूरे 11 दिनों तक चलती है। इस चोरी में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी को भी अपने असली नाम से नहीं बुलाया जाता, सबको शहरों के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ तक कि इस चोरी का मास्टरमाइंड को भी असली नाम से नहीं बुलाया जाता और उसको सब प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, जिसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसी वजह से ये वेब सीरीज सभी ऑडियंस का दिल जीत लेती है। और जिस तरह की प्लानिंग प्रोफेसर करता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और पूरी वेब सीरीज में सबसे ज़्यादा आपको प्रोफेसर का ही कैरेक्टर पसंद आएगा। और प्रोफेसर के अलावा जो भी कैरेक्टर इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं, आप सभी से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। बात करें पुलिस की प्लानिंग की, तो प्रोफेसर हमेशा पुलिस की प्लानिंग से एक स्टेप आगे ही रहते हैं। और डिटेक्टिव का रोल यहाँ पर रकेल यानी इत्ज़ियार इटुनो ने प्ले किया है और उनका रोल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और बाकी सभी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस भी लाजवाब है। राइटर ने यहाँ ज़बरदस्त काम करके दिखाया है, उनका काम काबिले तारीफ है। बात करें प्लॉट की, तो कभी पुलिस और कभी प्रोफेसर की टीम जीतती हुई नजर आती है। पुलिस काफ़ी बार रॉयल मिंट में अंदर घुसने की कोशिश करती है लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाती है। और प्रोफेसर की टीम ने जो हॉस्टल अंदर रख रखे हैं उनमें से भी कोई ना कोई कभी ना कभी हीरो बनने की कोशिश करता है, कभी उस पर नज़र जाती है और कभी नहीं जाती है। इस शो की छोटी सी छोटी डिटेल पर वर्क किया गया है, जिसकी वजह से ये हमें बेमतलब का शो नहीं लगता। यही इस शो की एक खासियत है। बात करें एक्शन की, तो इस शो में अच्छा खासा एक्शन है जो कि इस शो के हिसाब से परफेक्ट है। बात करें ड्रामा और सस्पेंस की, तो ड्रामा और सस्पेंस इस शो की जान है। अब बात करते हैं क्रिटिक्स की, कि क्रिटिक्स को ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। तो क्रिटिक्स की राय इस वेब सीरीज़ के लिए ज़बरदस्त है। बात करें मेरी, तो मुझे ये शो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मैं ये शो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। तो गाइस, छुट्टी का माहौल है और लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो ये शो आपके लिए एक परफेक्ट शो है। मेरा रिव्यू आपको ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें। उससे ये होगा कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की